देखिए बच्चा, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वही इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है टॉपिक। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में लोन टेकन वाली बात हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट की है कि जब कभी है हमारे ट्रायल बैलेंस में लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम किसी पर्सन का नाम और उसके आगे परसेंटेज गिवन हो और डेट गिवन हो कि आपने वो लोन कब लिया है, तो वो हमने देखा उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने जो लोन दे रखा है ना, एक तो ये था लोन टेकन, अब हमने लोन दे रखा होगा उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो भी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में कैसे होगा वो हम लोग अब बात करेंगे। तो देखिए, हमारा चल रहा था हिडन और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, हिडन और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। और देखिए, इसके कई सारे टाइप और हो सकते हैं। आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि जो दो मैंने पढ़ा दिए वही दो टाइप होंगे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के, बट अब पॉसिबिलिटी है कि वो इससे भी ज्यादा टाइप हो जाए। वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके की आपको लैंग्वेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा लोन टू किसी पर्सन को। हमने किसी पर्सन को लोन दिया है, क्या किया है, हमने किसी पर्सन को लोन दिया है। जब आप किसी पर्सन को लोन देते हैं तो आपको उस पे क्या देना होता है, आपको उस पे इंटरेस्ट लेना होता है, चार्ज करना होता है। आप चार्ज करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो सपोज, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा इसके कितने केसेस पॉसिबल हैं। पहला, ट्रायल बैलेंस गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस और ये डेबिट और ये क्रेडिट। सपोज आपने लोन दिया है, लोन टू रमेश, हमने लोन दिया है रमेश को, से सपोज क्योंकि हमने दिया है तो हमारे लिए असेट ट्रीट होगा, 1 लाख रुपीज का लोन दिया है और इसके आगे परसेंटेज लिखा है 10%, क्या लिखा है ब्रैकेट में, गिवन गिवन ऑन 1 जुलाई 2019, और हमारा जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो 31 मार्च 2020 का गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा, अगर आपके पास इस तरीके का इंफॉर्मेशन हो तो आप कैसे इसे ट्रीट करेंगे, इसे समझिएगा। ये आपका कहलाएगा लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होना है उसे हम लोग बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू रमेश। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू रमेश। हमने रमेश को लोन दिया है और उस पे कितना इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, तो अक्रू कैसे निकालेंगे, 1 लाख रुपए का लोन गिवन इंटू 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटा, हमने कब से कब तक लोन दिया, जुलाई को दिया, 1 जुलाई से लेके आप 31 मार्च 2020 तक काउंट करेंगे, 9 मंथ होते हैं। तो 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000, 9 मंथ का 7,500 रुपीज का हो गया इंटरेस्ट। ये अक्रूड इंटरेस्ट है, कहाँ कहाँ पे जाएगा देखिएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके क्रेडिट में जाएगा बाय अक्रूड इंटरेस्ट, बिकॉज इनकम है ना हमारी, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन याद होगा आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने लोन लिया था लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था, वहां पे ये अमाउंट डेबिट में आता था प्रॉफिट एंड लॉस के, बिकॉज ये हमारे लिए एक एक्सपेंस होता था। बैलेंस शीट में ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है जो हमने लोन दे रखा है ना, लोन टू रमेश, इस लोन टू रमेश में प्लस होगा, ये 1 लाख का लोन दे रखा है, इसमें ऐड होगा क्या अमाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना अमाउंट होगा 7,500, बिकॉज ये पूरा अक्रूड है ना, 1,70,500। फटाफट से एक बार एसेस ले लें बच्चा, ये एग्जाम्पल वन है। इसी में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो एग्जाम्पल टू में हम समझेंगे। ले लिया होगा आपने एसेस, आई होप सो क्लियर भी हुआ होगा। अब आपके पास सेम चीज ऐसे ही है और क्वेश्चन में अब आपके पास इंटरेस्ट भी दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव,
अगर ये रिसीव वर्ड ना भी होता और ये क्रेडिट में अमाउंट दिया है कितना 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है, ये ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन हो। एग्जाम्पल टू, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा 7,500, तो आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है लेस रिसीव कितना होगा आपको इंटरेस्ट, ये लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन IOL रिसीव कितना होगा, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो रिसीव होगा। अगर ये रिसीव वर्ड ना भी होता और क्रेडिट साइड में अमाउंट होता तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव ही होता, डेबिट में होता तो ये एक्सपेंस होता, डेबिट में होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड कहलाता, क्रेडिट में है तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव है। बट मैं आपको लोगों के लिए रख रहा हूँ रिसीव वर्ड यहाँ पे, रिसीव हमारे पास 7,000 है तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 500, 500 रुपए में और मिलना बाकी है। अब यहाँ पे जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो कैसे अमाउंट आएगा देखिएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन हमें जो मिला हुआ है रिसीव 7,000, इसमें ऐड होगा ये अक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था ना अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपीज, 500 रुपए टोटल 7,500 बनाना है ठीक है, और ये यहाँ पे केवल 500 ऐड होगा, यहाँ पे 1,00,000 रुपीज का लोन जो हमने रमेश को दे रखा उसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड होगा केवल 500 रुपए ऐड होगा, तो 1,05,000 ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल टू कंप्लीट होता है, एसएस ले लें सब बच्चे, समझ आ रहा है बच्चों? ये हमारा लोन टू वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, इसमें वेरिएशन सब बहुत सारे हो पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे मैंने और आपको थर्ड और फोर्थ उसके करवाए थे तो पॉसिबिलिटी पूरी है, बट ये दो पॉसिबिलिटीज पे आप ज्यादा ध्यान रखिएगा बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट इसी के साथ खत्म होते हैं, वैसे बहुत सारे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट और पॉसिबल है बट ऑलमोस्ट इंटरेस्ट वाला ही इम्प्लाइड एडजस्टमेंट आता है या इन्वेस्टमेंट वाला आता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना लोन टू, अब इसी में ही हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता, सेम क्वेश्चन यही है 10% इन्वेस्टमेंट होता है 1,00,000 रुपए ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक वेरिएशन इन्वेस्टमेंट वाला भी करवा देता हूं, ये थर्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, 10% लोन टू रमेश ने लिख करके अभी हम लोग क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए का है, कब किया है यहाँ पे इसके आगे 10% डेट लगा दी और लिखा है ऑन 1st October 2019, हमने 1 अक्टूबर को ये इन्वेस्टमेंट किया है, हमने इस पे कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है 4,000 ठीक है। तो अब इसका अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा, समझिएगा सब कुछ सेम है, 1,10%, बस 6 महीने हो जाएगा क्योंकि अक्टूबर में हम लोगों ने ये पैसा इन्वेस्ट किया, तो बेटा ये आ जाएगा 5,000 रुपए, 5,000 में से रिसीव हमें कितना रखा है 4,000, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा जाए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कितने रुपए आपके इस बार अक्रूड रहेंगे 1,000 ठीक है। सेम था बिल्कुल, जैसे लोन आपने दे रखा था वो आपके लिए असेट होता है, वैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा वो भी आपके लिए असेट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपकी इनकम होगी, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने की बजाय यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 4,000 ट्रायल बैलेंस वाला, उसमें ऐड करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया 1,000, और अब ये लोन टू रमेश की जगह क्या लिखा जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, कितना आएगा 1,00,000 और इसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड होगा 1,000 जो अभी रिसीव नहीं हुआ। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते जाएंगे, मतलब कोई भी असेट अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया उसके आगे आपके पास परसेंटेज गिवन आ जाए तो आप उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर है, मैंने इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करवाया है, उसमें दोनों चीजें मिक्स करवा दी ठीक है। एसएस ले लीजिए, लास्ट आइटम है, चलिए ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, अब हमारे सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बचे हैं,
जितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा बेटा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। आई होप सो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो गया है कि एक बार मुझे बताना, और सेकंड भी हो गया है क्या? सर सेकंड थर्ड फोर्थ कराने थे अपन, कल करने में थे जो हो नहीं पाए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आज मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, कुछ चीजें आपके लिए होगी, कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चा, क्वेश्चन टू अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन टू में सबसे पहले एडजस्टमेंट्स, नीचे जो चार एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो उन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है। पहला एडजस्टमेंट आपको ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टॉक का मिलेगा, और अब आपको सारे एडजस्टमेंट बेटा लर्न होने चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाए थे। याद है, जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सारे अब आपको याद होंगे, तभी आप कर पाएंगे उनको, तभी आप उनका इफेक्ट बता पाएंगे। तो बेटा देखिए, मैं क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जब भी आएगा तो पहले आप कोशिश करना कि आप उसका फॉर्मेट बना ले, जो आपका ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसका आप छोटा सा पहले फॉर्मेट बना ले। अपना फर्स्ट भी नहीं हुआ है। फर्स्ट तो हुए आई थिंक यार। नहीं, आपने क्या उस दिन जब क्वेश्चन चालू कराया ना, जब आपने बोला सेकंड थर्ड फोर्थ आप लोग ट्राई करना, फर्स्ट से मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए यस कोई सर, बात फर्स्ट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, तो कर लेंगे, फर्स्ट भी कर लेंगे, आज सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो भी कर लेंगे। बट याद रखिए, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, मेरे साथ आप करना, आपको 14 के 14 एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी जो क्वेश्चन मैं सामने करूंगा आपको समझ आएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं ना ये एडजस्टमेंट्स, मैंने सारी आपके सामने लिस्ट डाल दी है। ठीक है, आप आराम से बैठ करके पढ़ो। मैं एक बार क्लास ऑफ करने से पहले एक और अनाउंसमेंट करूंगा, मुझे थोड़ा सा याद दिलाना जो आपके रिविजन के रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 14,500 का। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक लिखने से पहले यहाँ लिखते हैं अपन बाय सेल्स, इसमें से लेस करते हैं अपन सेल्स रिटर्न, बाय आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिखते हैं 14,500। मैं पहले थोड़ा सा यहाँ का भी फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस लेस परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह आएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे। असेट के आइटम्स देख लो बेटा, कितने आइटम्स हैं असेट के लिए। अब क्योंकि हम लोग लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं पहले और कौन कौन से आइटम्स असेट में आएगा। तो यार मुझे तो बैंक बैलेंस के अलावा, बैंक है, एक स्टॉक होगा, और इसके अलावा शायद कुछ भी नहीं है, डेटर्स है बस। तो आप बैंक बैलेंस आपको पता है सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर स्टॉक है, पहले डेटर्स लिख दीजिएगा, फिर स्टॉक लिख दीजिए। एक्चुअली क्या डेटर्स में पॉसिबिलिटी है कि इसका एडजस्टमेंट हो? हाँ जी, एडजस्टमेंट गिवन है, तो एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस आप लोगों को शायद याद हो चुका होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट हो गया। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन बाय 4,000, क्वेश्चन ने अमाउंट ही दे दिया, प्लांट एंड मशीन पे 4,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो प्लांट एंड मशीन अब क्योंकि इसके जस्ट बाद आएगा, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, 40,000। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 4,000, तो ये आएगा 36,000 यहाँ। और ये 4,000 का डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आपको थोड़े से एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, कितने एक्सपेंसेस यहाँ पे पॉसिबल है। एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिख रहा है, एक वेजेस दिख रहा है, दो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, तो ये यहाँ तक बन जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं यहाँ डेबिट में लिख रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 4,000, पी एंड एम लिख दिया। आप लोग भी प्लांट एंड मशीन पूरा लिखिएगा, बिकॉज आपके पास प्रॉपरली स्पेस होगा। मैंने मशीन के ऊपर, प्लांट एंड मशीन के ऊपर 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, दो एडजस्टमेंट्स मेरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000। बेटा 5,000 के बैड डेट्स को राइट ऑफ करो, पहले ढूंढो बैड डेट्स आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है क्या। बैड डेट्स 2,000 गिवन है ट्रायल बैलेंस अगर आप देखोगे। तो सबसे पहला काम, जो बैड डेट हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसे लिखना, क्योंकि
क्योंकि वो एक ही जगह पे जाएगा, वो एडजस्टमेंट वाला आइटम नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स है 5,000 का, उसे हमें ट्रीट करना है, वो दो जगह पे जाएगा। एक तो डेटर्स में से लेस होगा, डेटर में बैड डेट्स कितना लिखा है भाई, डेटर्स कितने हैं मतलब, ये देखिए आप डेटर्स कितने हैं क्वेश्चन में, सन्ड्री डेटर्स 24,000 केवल, ठीक है 24,000, और इसमें से बैड डेट्स कितना माइनस होगा, तो ये बचेगा 19,000। और ये 5,000 जो बैड डेट्स अपन ने लेस किया, छोटा छोटा सा लिखा है बेटा ना, तो वो थोड़ा सा आप लोग अपने पास एसएस लेने के बाद जूम करके देखना, इसमें ऐड होगा ये फर्दर बैड डेट्स, टोटल हो जाएगा 7,000। आई होप आप लोगों को यहां तक कंफर्टेबिलिटी आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत इजी वाले एडजस्टमेंट से। लास्ट है 400 is due for repair. आप एक वर्ड लिखेंगे ड्यू फॉर रिपेयर, अगर कभी भी आ जाए ड्यू, आ जाए ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, बकाया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट है। तो रिपेयर आप देखिए कितना दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, रिपेयर आपके पास 500 दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में, तो टू रिपेयर जो ट्रायल बैलेंस वाला है पहले उसे लिखना है। अब आउटस्टैंडिंग जो रिपेयर होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अपन ऐड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना अमाउंट बताया था, 400 ही था ना, 400 900, और आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक जगह और जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आप पहले देख लीजिए और कौन कौन से अमाउंट है, एक क्रेडिटर्स है, पहले क्रेडिटर्स फिर बिल्स पेबल, और कोई मेरे अकॉर्डिंग तो होता ही नहीं है यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो उसे क्रेडिटर्स के जस्ट बाद या क्रेडिटर्स से भी पहले रखना। आउटस्टैंडिंग वेजेस 400 सिर्फ, ये बच्चे ना ऐसे 900 रख लेते हैं, वो मत करना गलती। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चार एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। बेटा जब आप सेपरेटली अपना क्वेश्चन करना चाहे तो पहले आप इतना एसएस ले लें, बिकॉज जब आप अपने आप घर पे बैठ करके क्वेश्चन करेंगे तो पहले आप एडजस्टमेंट्स ही लिखेंगे, तो आपके सामने एक फॉर्मेट होना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ तक सही हुआ है हमारा, ठीक है ले लिया होगा। अब सिर्फ जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन उसको यूज करते जाएंगे और क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। फर्स्ट इज कैपिटल, 1 लाख कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे, आप देखिए कोई और लाइबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो कैपिटल आ जाएगा 1 लाख रुपीज। फिर गिवन है क्रेडिटर्स 12,000, ये क्रेडिटर्स 12,000। फिर दिया है रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड बोले तो बेटा परचेस रिटर्न, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अभी बच्चों को। आउटवर्ड बोले तो रिटर्न बोले तो गुड्स, आउटवर्ड मतलब हमारे बिजनेस से बाहर चले गए, अगर हमने बेचे हुए गुड्स हमारे पास वापस आए उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं, उसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, इनवर्ड क्योंकि वो गुड्स हमारे पास इनवर्ड मतलब आना, हमारे पास आ रहे, आउटवर्ड मतलब हमारे पास से जाना, तो हमारे पास से जाएगा कौन सा गुड्स, जो हमने खरीद रखा है और उसको हमने रिटर्न किया है, परचेस रिटर्न, क्लियर। तो परचेस रिटर्न बेटा हमारे पास क्वेश्चन में है 5,000 का। नेक्स्ट इज सेल्स 1,64,000, सेल्स 1,64,000 यहाँ लिखते हैं। फिर है बिल्स पेबल 5,000, ये बिल्स पेबल 5,000, प्लांट एंड मशीन 40,000 लिख चुका हूँ, सन्डे डेटर्स 24,000 लिख चुका हूँ, ड्रॉइंग्स 10,000 की, वो कैपिटल में से लेस होगी पहले, ड्रॉइंग्स 10,000 ब्रैकेट बना लिया, परचेजेस 1,05,000, तो आप देखेंगे माय मिस्टेक, 5,000 यहाँ लिखना था और 1,05,000 यहाँ लिखना था, आप बता दिया करो अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं, करे ये 1 लाख आ जाएगा नेट परचेजेस। रिटर्न इनवर्ड इज 3,000, इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न 3,000, तो ये आ जाएगा 1,61,000, क्लियर यहां तक समझ आ रहा है। वेजेस 50,000, वेजेस आप यहाँ पे लिखेंगे 2, मैंने यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, वो भी मुझे नहीं पता है किसी ने कि सर आपने मिस्टेक किया, रिपेयर वर्ड आएगा। बेटा आप लोगों को अगर कोई मिस्टेक दिख रही है तो आप बोलो, 2 वेजेस इज 50,000, रिपेयर ही तो आउटस्टैंडिंग था 400 का, मुझे रिपेयर लिखना था, मैंने वेजेस लिख लिया, ओके रिपेयर डन, वेजेस 50,000 हो गया, बैंक बैलेंस 10,000 का है, बैलेंस शीट में असेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक 20,000 1 अप्रैल का, तो बेटा ये ओपनिंग स्टॉक ट्रीट होगा,
रेंट 4000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अमाउंट कितना है रेंट का? 4000। और फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बेटा एक चीज याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बिकॉज ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अमाउंट है इसका 8000। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंसेस 7000। ये ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेडिंग मत सोच लेना कि ट्रेडिंग से रिलेटेड होंगे, ट्रेड मतलब बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे 7000 के। बैड डेट्स 2000 में लिख चुका हूँ। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही एक्सपेंस सोचे थे, थर्ड एक्सपेंस भी आ गया और फ्यूल एंड पावर भी आएगा, दो एक्सपेंसेस और हैं, एक एक्सपेंस और है। कोई बात नहीं, मेरे पास इतना प्रॉपरली स्पेस था, मैं कर सकता हूँ। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्यूल एंड पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा। तो अब मुझे यहाँ पे जीपी भी लिखना पड़ेगा, खैर आ जाएगा। टू जीपी अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए मैंने टोटल मार करके थोड़ा सा स्पेस अपने को एक्स्ट्रा ही छोड़ना होता है ऑलवेज, क्योंकि कहीं ना कहीं जा करके मिस्टेक्स हो सकती है भाई, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 4000 है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ इसको। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 4000, थोड़ा सा गैप दिखना चाहिए ना। चलिए आपके पास अब ग्रॉस, अच्छा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बैठ रहा है, ग्रॉस लॉस ही बैठेगा। देखिए जी जैसा भी बैठता है, टोटल मारते हैं पहले एक बार अपन। टोटल आएगा 20, 1 लाख 20, 1 लाख 70, 1 लाख 70, 1 लाख 70, 1 लाख 80,500, और इधर 14,500, 1 लाख 65, 75,500। तो यहाँ पे आता है लगभग 5000 का लॉस बाय ग्रॉस लॉस। क्या लिखा जाएगा? ग्रॉस लॉस 5000। और ये ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा बेटा? ये डेबिट साइड में पोस्ट होगा, यहाँ पे इधर डेबिट साइड में पोस्ट होगा। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं, मैं क्या करता हूँ बेटा, ये प्लांट एंड मशीन वाला अमाउंट है ना, उसको नीचे लिख देता हूँ। नीचे तो स्पेस है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 4000। हालांकि फर्स्ट एडजस्टमेंट था हमारा, बट कोई बात नहीं। ग्रॉस लॉस देखो मेरे पास तो बोर्ड है, मैं तो रफ करके लिख सकता हूँ, आप लोगों के पास नहीं, इसीलिए आप हमेशा स्पेस थोड़ा ज्यादा ही छोड़ना। 5000 का ग्रॉस लॉस आ गया। अब यहां से आपका नेट लॉस बैठेगा, क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं आया, तो टोटल मारिए इसका, जो टोटल आएगा वही नेट लॉस बैठेगा। तो नेट लॉस 27,900 आएगा, टोटल मारेंगे तो 27,900 बैलेंसिंग फिगर टोटल मार दीजिए यहाँ पे भी, और ये 27,900 लॉस है, कैपिटल में से लेस कर दीजिए। टेन ट्वेंटी थर्टी क्या 70, 70 में से 7 क्या 63, 62,100 कैपिटल आ गई, बस टोटल मार लीजिए, मैच हो जाएगा आंसर 79,500। आप कीजिएगा, अपने आप मैच होगा, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई, क्लियर? क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट होता है बेटा। एसएस लीजिए, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था पहले जब मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करने के लिए कहे थे, अब आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कल करके रखना है भाई। मैं आप लोगों से सारे ट्रीटमेंट एक एक बच्चे से पूछ करके फिर जो है वो बोर्ड पे करवाऊंगा, क्लियर? तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे अगले दो क्वेश्चंस के साथ। अब सिर्फ हमें क्वेश्चंस करने हैं, सारे आपके टॉपिक्स कंप्लीटेड है, क्लियर?